अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, यानी घंटी के निशान को दबा दे, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की अपडेट्स नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। हेलो एवरीवन, आज की हमारी रेसिपी है ब्लैक फॉरेस्ट केक, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है 1.5 कप मैदा, आधा कप दही, आधा कप पिसी हुई शक्कर, 1/4 कप तेल, 5 बॉर्नविटा। आप चाहें तो यहाँ कोको पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच कॉफ़ी ले ली है मैंने, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा और वनीला एसेंस। अब एक बाउल ले लेंगे। बाउल के अंदर हम पिसी हुई शक्कर, दही और तेल, बॉर्नविटा पाउडर, और जो कॉफी हमने ली थी उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरह मिला लेंगे और वो भी इसी के अंदर ऐड कर लेंगे। बॉर्नविटा पाउडर डालने से इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है और बहुत डार्क कलर आता है केक का। इन सभी को अच्छी तरह मिला लेंगे, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। तो अब मैं इलेक्ट्रॉनिक बीटर से इसे बीट करूंगी। आप चाहे तो हैंड बीटर, किसी से भी हैंड विस्क से, किसी से भी बीट कर सकते हैं। मैं 1 चम्मच करीब वनीला एसेंस डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह मिलाकर साइड में रख लेंगे। अब हम कुकर को प्रीहीट करेंगे। उसके लिए मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है और इसके अंदर नमक को अच्छी तरह बिछा लिया है। ये नमक मेरा 4 से 5 बार यूज़ किया हुआ है। अब इसके अंदर स्टैंड रख देंगे और कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। इसे कम से कम 10 मिनट तक हम प्रीहीट करेंगे और कुकर की सीटी को निकाल देंगे। अब कुकर प्रीहीट हो रहा है जितने हम केक के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। अब मैदे के अंदर हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों मिला लेंगे और इस मैदे को थोड़ा थोड़ा करके इस बैटर में मिलाते जाएंगे, ताकि इसमें लम्स ना बने। इसको बिल्कुल धीरे धीरे आराम से मिलाते जाना है। और इसी तरह सभी मैंने इसके अंदर मैदा मिला लिया है। अब इसको दूध की सहायता से पतला गोल कर रही हूँ और ये केक के लिए बैटर तैयार हो गया है। अब केक के लिए आप अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी टिन ले सकते हैं। मैंने यहाँ गोल टिन लिया है, उसके अंदर मैं अच्छी तरह से ऑयल ग्रीस कर रही हूँ और इसके बाद इसमें सूखा मैदा डाल देंगे और इसे चारों तरफ अच्छी तरह फैला लेंगे, ताकि केक बनने के बाद आसानी से बाहर आ जाए। चारों तरफ लेने के बाद इसमें जो मैदा बचा है, एक्स्ट्रा मैदा, उसे हम एक प्लेट में ले लेंगे। अब इसके अंदर हम केक का बैटर डाल देंगे, जितने हमारा कुकर भी प्रीहीट हो गया है। अब इसे अच्छी तरह थपथपाएंगे, ताकि इसके अंदर एयर बबल्स ना रहे। प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलकर उसके अंदर हम ये केक का टिन सावधानी से रख लेंगे और ढक्कन को बंद कर देंगे और केक को मीडियम फ्लेम पर 40 से 45 मिनट तक पकने देंगे। बीच बीच में खोल के नहीं देखेंगे। 45 मिनट बाद हम खोल कर चेक करेंगे कि केक पका है या नहीं पका है। तो चक्कू इसके अंदर मैं डालकर देखूंगी। आप चाहे तो टूथपिक डाल के देख सकते हैं। और ये चक्कू एकदम साफ बाहर आया है, इसका मतलब केक बन गया है। तो फिर अब हम केक को बाहर निकाल लेंगे। अब एक चाकू की सहायता से इसके किनारों से केक को हम अलग कर देंगे और इसके ऊपर एक प्लेट रखकर प्लेट को हम उल्टा कर देंगे। अब एक कपड़े की सहायता से, क्योंकि ये गर्म है, तो कपड़े की सहायता से मैं इसको उठाऊंगी और ये केक आपको बताती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है।
ये चारों तरफ से बहुत ही सॉफ्ट केक बनाएं। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। केक ठंडा होता है जितने हम केक के लिए क्रीम बना लेते हैं। क्रीम के लिए यहाँ मैंने अमूल फ्रेश दी है और एक बाउल ले लिया है जिसको मैंने 3 से 4 घंटे फ्रीज़र में रख दिया, और वनीला एसेंस। मैं यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बीटर से बीट करूँगी, आप चाहे तो हैंड बीटर से भी विस्क कर सकते हैं। यहाँ अब हमें क्रीम ले रही हूँ, 1 कटोरी के करीब मैंने यहाँ क्रीम ले ली है और आइसिंग शुगर ले ली है। अब क्रीम को बीट करना चालू करेंगे। क्रीम को बनाने में हमें 15 मिनट लग जाएंगे और इसकी वीडियो मैंने शेयर की हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब इसके अंदर हम आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। आइसिंग शुगर की रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, इसका भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी। अब इसके अंदर हम वनीला एसेंस डाल देंगे 1 चम्मच करीब, और इसे फिर से अच्छी तरह फेंटना चालू करेंगे। अच्छी तरह मिला लेने के बाद अब ये हमारी क्रीम व्हिप्ड हो गई है। अब मैं बताती हूँ कि ये देखो, इसकी पीक एकदम ऊपर है, और इस कटोरे को हम उल्टा करेंगे तो भी ये नीचे नहीं गिरेगी, तो इससे पता चलता है कि ये क्रीम हमारी बनकर तैयार हो गई है। और हमने यहाँ पर क्रश की हुई चॉकलेट ले ली है, आप अपनी इच्छा से कोई सी भी चॉकलेट ले सकते हैं, यहाँ मैंने डार्क चॉकलेट ली है। अब केक को हम 3 भागों में कट करेंगे। आसानी से कट करना है। इस तरह से हम कट करने के बाद इसके ऊपर शुगर सिरप लगाएंगे। यहाँ मैंने शुगर को पानी में अच्छी तरह पिघला दिया है ताकि इसके ऊपर क्रीम अच्छी तरह से लग जाए। अब एक केक बोर्ड लेकर उसके ऊपर थोड़ा क्रीम लगाएंगे, और क्रीम लगाने के बाद जो हमने शुगर सिरप से तैयार किया था केक वो उसके ऊपर रख देंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी व्हिप क्रीम लगाते जाएंगे और इसे अच्छी तरह फैलाते जाएंगे। बहुत सावधानी से फैलानी है, केक का ध्यान रखते हैं। इस समय केक बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसी तरह दूसरे केक की लेयर भी इसके ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर भी क्रीम लगाएंगे। तीनों लेयर्स लग गई है। क्रीम को हम चारों तरफ लगाएंगे, इस तरह से थोड़ी थोड़ी क्रीम लेते जाएंगे, और ये हमारा चारों तरफ से क्रीम लग गई है। अब इसको हम डिज़ाइन दे देंगे चारों तरफ से। जो चॉकलेट हमने ली थी उसको हमने थोड़ा सा क्रीम के अंदर मेल्ट कर लिया है, क्रीम को गर्म करके, और इससे हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। सावधानी से बनानी है। चारों तरफ चॉकलेट क्रीम अच्छी तरह लग गई है। अब जो चॉकलेट हमने क्रश करी थी उसको भी हम इस पर फैला देंगे। अब एक नोजल से हम इसके ऊपर फूल बनाएंगे क्रीम का। इसी तरह सब फूल बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसके ऊपर हम चेरी रख देते हैं, और ये ब्लैक फॉरेस्ट केक बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, तो फिर आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को।